राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वे सार्वजनिक रैली के सहित अन्य चुनावी अभियानों में हिस्सा लेने वाले हैं। तमिलनाडु के समीपवर्ती क्षेत्र नीलगिरी जिले में राहुल गांधी ने कला एवं विज्ञान कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद वे केरल के सुल्तान बाथेरी पहुंचने के लिए उन्होंने सड़क मार्ग से यात्रा की। सुल्तान बाथेरी में राहुल ने खुली छत वाली कार में बैठकर लोगों से मिले। सैकड़ों लोग उनकी रोड शो में शामिल होने पहुंचे। बता दें कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में उनका सामना सीपीआई नेता एनजी राजा और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्रन से होने वाला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे। अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,120 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि वायनाड में राहुल गांधी को जीत मिली थी। इस बार फिर कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है। हमारी लड़ाई मुख्य रूप से आरएसएस की विचारधारा से है। राहुल रोड शो के दौरान राहुल ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई मुख्य रूप से आरएसएस की विचारधारा से है। भाजपा और प्रधानमंत्री का कहना है कि वो एक राष्ट्र हैं, एक चुनाव, एक नेता, एक भाषा चाहते हैं। भाषा कोई थोपी कोई चीज़ नहीं है, भाषा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के अंदर से आता है। केरल के लोगों से यह कहना है कि आपकी भाषा हिंदी से कमतर है, अपमानजनक है। भारत में सिर्फ एक ही नेता होना चाहिए, ऐसा कहना देश के सभी युवा लोगों का अपमान करने जैसा है। वायनाड दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद के मनंतवाड़ी विशॉप से भी मुलाकात करने की संभावना है। शाम को कांग्रेस नेता कोझिकोड जिले में रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वायनाड में यह राहुल गांधी की दूसरी रैली।